सुबह 9:30 बजे हम पीजिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, फिर 11:30 बजे लंच, 12:30 बजे होटल पे। शामिल, ये आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है या कनेक्टिंग फ्लाइट है? ये डायरेक्ट फ्लाइट है। अकाउंट से आपने पैसे ले लिए? हाँ, पैसे मिल गए मुझे। हेलो गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, शामिल भाई चाइना में मत आया, तो इस बार मैं जा रहा हूँ चाइना और देखते हैं कितना मज़ा आया और कितना काम हुआ। और मेरे साथ जा रहे हैं प्रवास। हेलो, क्या हाल है? खैरियत, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। प्रवास, एक बात बताइए, आप मेरे साथ क्यों चाइना जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एक इनका 2 सेशन के नाम से एक इवेंट होता है जो चाइना का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मीटिंग है, जो चाइनीज ऑफिशियल्स होंगे वहाँ पे। और एक होता है CPPCC, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। ये होता है चाइना में एनुअल इनका एक मीटिंग इनकी होती है, उनको कवर करने के लिए वश टेलीविजन की तरफ से, रेवोल्यूशन न्यूज़ चैनल आप सबको पता है, उस चैनल की तरफ से मैं कवर करने उस इवेंट को जा रहा हूँ जो चाइना में स्टार्ट हो चुका है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने जा रहा हूँ। ओके, और मैं भी किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, कवर ये करेंगे। मैं एक और काम करूँगा, वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, तो लेट्स गो। PGN International Airport with my friend. You? Oh, say hello. Hello. Yeah. And Parwaz is also with us. Welcome to Beijing. So it starts now. Recording. Yeah, right. Yeah, I am recording. Yeah. And then I press, where do I? हम लोग शायद अभी भी टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, मगर बाकी दुनिया काफ़ी आगे निकल गई है। वो अभी भी इंटरनेट पे न्यूज़ देखते हैं और फ़ोन पे न्यूज़ देखते हैं। तो जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है वो चाइना में एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू न्यूज़ देखें। अभी हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट, उधर से चाय का सामान लेने, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिए। यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ ग्रीन टी होता है, रेस्टोरेंट में भी चाय नहीं मिलता। तो आपका भाई चाय नहीं पिएगा तो दिमाग कैसे चलेगा? मिल गया। ये इनका गैलरी है और लोगों ने ये मेरे नाना का पिक्चर लगाया, हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच। ही इज द मीटिंग चाइनीज प्रीमियर चुनन लाए ऑन 1965। और ये लोग चाइना में इस आदमी को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं कि इसने चाइना में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है, और इसी वजह से लोगों ने ये पिक्चर को फ्रेम किया हुआ है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। इसमें होता ये कि आपको ये गोश्त को खुद ही पकाना पड़ता है और उसको पीनट बटर के अंदर मिक्स करके खाना पड़ता है। पाकिस्तानी खाना चेक करें, ओह
पढ़ाई चिकन ये परवा इतनी खुशी हो रही है पिछले तीन दिन से ना चाय खाना देख देख के ना तो मेरी हालत देख रहे हो आप How it is? Love it. Delicious. बेसिकली हम पिछली बार भी यहीं आए थे चाइना इकोनॉमिक नेट बिकेम पार्टनर विद वश न्यूज कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जॉइंटली कर रहे हैं जैसे बेल्ट एंड रोड फेस टू फेस और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली गवादर एंड बलूचिस्तान रिलेटेड उस पर भी हम साथ ही काम कर रहे हैं थर्ड मार्च सेलिब्रेशन के लिए पाकिस्तान एम्बेसी ने मुझे इनवाइट किया मैं CEN के CEO मिस्टर वांग के साथ उस इवेंट को अटेंड करने जा रहा हूँ दिस इज मिस्टर वांग सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के इवेंट्स की बहुत मतलब इनका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि लोग आपस में जब घुलते मिलते हैं तो एक दूसरे को बेहतर समझते हैं तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया है आई होप आपने भी इन्जॉय किया अभी हम जा रहे हैं एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे सारे कैमरा इक्विपमेंट्स टेलीविजन के लिए फिल्म्स के लिए उनका एग्जीबिशन हो रहा है तो मैंने भी सोचा यहाँ पे एक देख लूँ मे भी कोई काम की चीज़ मिले फॉरबिडन सिटी के बाहर खड़े हुए हैं थोड़ा सा लेट आ गए हैं तो ये सिक्योरिटी वाले में जाने नहीं दे रहे हैं ये चेक करें स्टाइल चेक करें बंदे का स्टाइल ओए होए 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 आई जस्ट नो अ लिटिल अबाउट दिस टेंपल वैंग से बात हुई जो चाइना इकोनॉमिक नेट के CEO हैं उनने कहा कि गवादर बहुत ही जल्द रीजन बनने वाला है तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं तो वो कहते हैं कि एक शहर है चाइना में जो कुछ सालों पहले बिल्कुल वीरान था और ना बहुत ही जल्द वो एक बहुत बड़ा शहर बन गया चाइना का तो और ये कहे कि एक ज़माना था जब टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे थे और ना इक्विपमेंट्स नहीं थे कुछ ना कंस्ट्रक्शन के सामान नहीं थे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम बहुत टाइम लगाते थे चीज़ें बिल्ड करने पे मगर अभी ज़माना चेंज हो गया बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है तो शहर को बिल्ड करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तो आप ये बिल्कुल नहीं समझें कि गवादर को बनने में बहुत टाइम नहीं है बहुत जल्दी बनेगा और चाइनीज़ बना रहे हैं और बहुत फास्ट बनेगा और टेक्नोलॉजी में भी आ गए हैं ये लोग और ये पैसे में भी आ गए हैं तो ये दो चीज़ चाहिए होता है एक शहर को डेवलप करने में यहाँ पे ना खाना दबा के खिलाते हैं पिछली बार आया था मोटा हो गया
इस बार जिम विम नहीं करूँगा ना, फिर से मोटा हो जाऊँगा। कैमरा लेके बार बार एक्सरसाइज तो नहीं करूँगा।